नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे, ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से विफल मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान, पहली बड़ी खबर आ रही है सामने कर्नाटक से। दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जल्द ही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा देने जा रहे हैं अपना इस्तीफा। वो कालिका बिरादरी का सीएम तो लिंगायत बिरादरी का होगा प्रदेश अध्यक्ष। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अपना पद छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। राज्य में नया मुख्यमंत्री और नया प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होते ही येदियुरप्पा बतौर राज्यपाल नई जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा नेतृत्व त्रिपुरा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी समय रहते अहम बदलाव करने में लगातार मंथन कर रहा है। अगस्त महीने तक इन राज्यों में बदलावों को अंतिम रूप देने की योजना बनी है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक सामने निकल के आई है, पीएम मोदी से मुलाकात में येदियुरप्पा पद छोड़ने पर राजी हो गए हैं और किसी भी वक्त वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ये अपडेट है दोस्तों। एक और खबर जान लेते हैं, यूपी से योगी की विदाई हुई तय। टाइम्स नाउ सी वोट के सर्वे में हुआ है खुलासा, यूपी में भाजपा के पक्ष में नहीं है 70% लोग, सपा की तरफ 50% वोटर का रुझान। आप लोगों को बताते चले, बड़ी अपडेट है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में यह बात सामने निकल के आई है कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी का समर्थन करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताते चले, बीजेपी की लोकप्रियता एकदम से धराशायी हो गई है। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर मात्र 25% लोग ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि लगभग यहाँ पर 50% लोग आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही जा सकते हैं। और वहीं मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में यहाँ पर 10% लोग खड़े हैं, ये यहाँ पर सर्वे में खुलासा हुआ है। और वहीं इस सर्वे में यह पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, 43% लगभग यहां पर लोगों ने अखिलेश यादव का नाम लिया है और वहीं 32% के करीब लोगों ने यहां पर लिया है नाम योगी आदित्यनाथ का, और वहीं बसपा सुप्रीमो का लिया है 17% के करीब लोगों ने नाम। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि योगी की विदाई लगभग तय होती हुई नजर आ रही है। पहले बीजेपी के ही सर्वे में यहाँ पर योगी की हार दिखाई गई, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताते चले, एक एक करके कई सर्वे सामने निकल के आ रहे हैं जिसमें यह साफ हो रहा है कि योगी की विदाई यूपी से तय हो रही है। इस बार के चुनाव में जनता के बीच में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है बीजेपी को लेकर के। आप लोग इस सर्वे से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों के अनुसार 2022 के चुनाव में किस पार्टी की जीत हो सकती है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बांग्लादेशी होने का आरोप, केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक की नागरिकता की जांच के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा सदस्य और असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवनियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक के कथित तौर पर बांग्लादेशी होने के आरोपों की जांच करने की मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखे और ट्विटर पर साझा किए गए पत्र में बोरा ने दावा किया है कि पराग बांग्ला, रिपब्लिक टीवी त्रिपुरा, डिजिटल मीडिया इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी खबर में बताया है कि प्रमाणिक बांग्लादेशी नागरिक हैं। और वहीं टीएमसी नेताओं ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पूछा है कि केंद्र सरकार ने ऐसी सुरक्षा खामी आखिर कैसे होनी दी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी के मंत्री जो है निशित प्रमाणिक, उन पर आरोप लगा है कि वह बांग्लादेशी हैं और इसको लेकर के अब केंद्र सरकार आ चुकी है विपक्षी दलों के निशाने पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, राकेश टिकैत के जंग के ऐलान के बाद किसानों से मिलेगी दिल्ली पुलिस। अमित शाह ने टेके घुटने, संसद के अलावा कहीं और प्रदर्शन करने पर बात, लेकिन किसान नहीं हटेंगे पीछे। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से आज मुलाकात करेंगे जिससे कि प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह तय हो सके।
मालूम हो कि किसानों ने तय किया है कि आगामी मानसून सत्र के खत्म होने तक वे संसद के बाहर प्रदर्शन जारी रखेंगे। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत के बयान का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वह कहते हुए दिख रहे थे कि अगर सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो ऐसी स्थिति में देश में जंग हो सकती है, युद्ध हो सकता है सरकार के खिलाफ। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अब उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार है और उनका संगठन राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कुर्सी से उतार करके ही दम लेगा। टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब भारतीय किसान यूनियन के निशाने पर है, इनकी यहां पर विदाई तय है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हम किसी भी पार्टी का समर्थन तो नहीं करेंगे और ना ही खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल यहां पर बनाएंगे, ये कहना है राकेश टिकैत का। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस करेगी किसान नेताओं से मुलाकात, क्योंकि संसद के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन का ऐलान पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा कर चुका है और केंद्र सरकार में इसको लेकर के हड़कंप मचा है। अगर किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करता है तो सीधी सी बात है कि ये खबर जाएगी देश दुनिया में, जिससे यहाँ पर मोदी सरकार की किरकिरी होना तय है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि को लेकर के कितने चिंतित रहते हैं ये तो आपको पता ही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दानिश सिद्दीकी की मौत पर यूएन और यूएसए ने शोक जताया मगर मोदी ने नहीं। पीएम मोदी ने दानिश के लिए नहीं किया एक भी ट्वीट, तो पत्रकार बोले इन्हें नफरती सेना का सेनापति बनना चाहिए। आप लोगों को बताते चलें, अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के कार को ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की तालिबान और सुरक्षा बल की हिंसा के दौरान मौत हो गई। और वहीं दानिश सिद्दीकी की हत्या की खबर आते ही देश विदेश से शोक संदेशों का तांता लग गया, लेकिन इन सभी संदेशों के बीच लोग इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी के शोक संदेश का, लेकिन उन्होंने ऐसा करना शायद ठीक नहीं समझा। आप लोगों को बताते चले, दानिश सिद्दीकी की मौत पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अफसोस जताया है और अमेरिका ने भी अफसोस जताया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास समय नहीं है। और इसी खबर को लेकर के फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने पीएम के द्वारा दानिश सिद्दीकी की मौत पर अफसोस नहीं व्यक्त करने पर कड़ा प्रहार किया है और ट्वीट कर लिखा, दानिश की मौत पर संयुक्त राष्ट्र को भी फर्क पड़ता है पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, विनोद कापड़ी ने आगे लिखा है कि ऐसे प्रधानमंत्री किसी भी देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी खुद को एक नफरती सेना का सेनापति साबित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। और वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी कड़ी टिप्पणी की है इस मामले पर। तेज प्रताप ने ट्विटर पर लिखा, क्रिकेटर्स की पैर की मोच आने पर तनादन ट्वीट करने वाले नौटंकीबाज प्रधान के मुंह से देश के एक बहादुर पत्रकार की शहादत पर संवेदना के एक शब्द नहीं निकले। तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया है कि नीचता की सारी सीमाएं इस व्यक्ति के पास आकर के समाप्त हो जाती हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जान लेते हैं, 70 साल की कमाई 7 साल में बेच गई बीजेपी, इसका नाम बदल करके बेच जाओ पार्टी कर देना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजवाला का जोरदार हमला, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के शासनकाल में भारत के सरकारी संस्थानों का निजीकरण बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र 2021-22 के दौरान LIC में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया था। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के तौर पर जानी जाती है। इससे पहले किसी भी सरकार में सरकारी संस्थानों का इतने बड़े स्तर पर निजीकरण नहीं किया गया है। अब खबर सामने आ रही है कि सरकार ने LIC में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। इसी संदर्भ में आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी अब हमलावर हो चुकी है मोदी सरकार पर। इस मामले में कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बीजेपी का नाम बदल करके बेच जाओ पार्टी होना चाहिए, 70 साल में जो बनाया है उसको 7 साल में ही बेच दिया इन लोगों ने।
और जब तक देश की जनता की आंखें खुलेंगी शायद बहुत देर हो जाए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर सामने निकल के आई है, एक एक करके सभी सरकारी संपत्तियों को बेचे जा रही है मोदी सरकार और अपने मित्रों के हाथों में सौंप रही है इन सरकारी कंपनियों को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बंगाल में जल्द हो सकते हैं उपचुनाव, ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत, मिलेगा विधानसभा पहुंचने का मौका। आप लोगों को बताते चले, चुनाव आयोग ने बंगाल में ऐसे कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की तृणमूल कांग्रेस की मांग को आखिरकार मंजूरी दे ही दी है, जहां पर मौजूदा विधायकों के इस्तीफे या मौत के कारण सीटें खाली पड़ी हैं। ऐसे जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनसे ईवीएम और वीवीपैट के लिए प्रत्यक्ष परीक्षण की व्यवस्था करने को कहा है। और ये यहाँ पर एक ममता बनर्जी के लिए पहले ही बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि मोदी सरकार के दबाव में चुनाव आयोग उपचुनाव कराने का फैसला नहीं ले सकता है। लेकिन जब चुनाव आयोग के ऊपर टीएमसी ने दबाव बनाया और यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव आयोग अब उपचुनाव कराने के लिए तैयार हो चुका है, जो कि ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राहत है और विधानसभा पहुंचने का मौका मिलने जा रहा है ममता बनर्जी को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, यूपी में जहां जहां हिंसा हुई है वहां के चुनाव रद्द हो, प्रियंका गांधी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर के करेंगी मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर के पसगांव ब्लॉक के सेमरा घाट पहुंचकर के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अभद्रता का शिकार हुई समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्हें सांत्वना देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि वह हर हाल में उन्हें न्याय दिलाकर के ही रहेंगी। जहां जहां पर चुनाव में हिंसा हुई है वहां के चुनाव रद्द कराने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने घेरा है योगी सरकार को। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।